हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 12th मैथमेटिक्स फॉर JEE मेन एंड एडवांस में अपन पढ़ रहे थे कैलकुलस। कैलकुलस में अपना चल रहा था लिमिट। लिमिट में अपना फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, उसमें अपन ने इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट पढ़ा था। आज अपन आगे एक कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट होता है चेंजिंग ऑफ लिमिट। जब अपन लिमिट को चेंज कर देते हैं, को सब्स्टिट्यूट करके, वो अपन समझते हैं चेंजिंग ऑफ लिमिट। भाई अगर हमारे पास कुछ ऐसा है, बोला गया है लिमिट x is tending टू a f x है, अगर हमारे पास ऐसा है और हम इसको लिमिट को कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अपन ऐसा कर सकते हैं कि अपन पुट कर देंगे x इक्वल टू आइदर a प्लस एच और a माइनस एच। मैंने x इक्वल टू पुट कर दिया a प्लस एच, तो h is tending टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो लिमिट हमारे पास h is tending टू हो जाएगा ज़ीरो और ये हो जाएगा x की जगह a प्लस एच। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम यहाँ से यहाँ गए तो हमारे पास लिमिट चेंज हो गई। पहले लिमिट x is tending टू a थी, अब लिमिट h is tending टू ज़ीरो हो गई। जब अपन ज़ीरो प्लस रखेंगे तो ये a प्लस ज़ीरो प्लस मतलब इसकी राइट हैंड लिमिट आ जाएगी, और जब अपन ज़ीरो माइनस रखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी। तो ये हमारे पास चेंजिंग ऑफ लिमिट होती है। इसको अपन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के कंसेप्ट में भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास था, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास था x is tending टू a माइनस एफ एक्स, तो यहाँ पे अपन x इक्वल टू पुट कर देंगे a माइनस एच। अब बेसिकली a माइनस का मतलब होता है a से थोड़ा सा छोटा, a से थोड़ा सा कम, a में से एक छोटी सी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो जो छोटी सी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसका मतलब है हमारे पास जो h है वो टेंडिंग टू ज़ीरो प्लस होना चाहिए, h टेंडिंग टू ज़ीरो प्लस f ऑफ a माइनस एच। और सिमिलरली जब अपन राइट हैंड लिमिट में सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स। अब x की वैल्यू क्या है, a से थोड़ी सी बड़ी है, तो x को अपन क्या पुट कर देंगे, a प्लस h पुट कर देंगे। x क्या है, x इज़ जस्ट ग्रेटर देन a, a प्लस समथिंग, a में ऐड करना पड़े एक छोटी सी पॉजिटिव क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमारे पास जो h है ये टेंडिंग टू ज़ीरो प्लस हो जाएगा और x की जगह हो जाएगा a प्लस h। तो इस तरीके से अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है तो उसमें अपन सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। और अगर हमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट अलग अलग नहीं लेना है तो अपन को एक साथ लेना है, तो अपन यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। इन कंसेप्ट का यूज़ करके अपन लिमिट को चेंज करके क्वेश्चंस को इजीली भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपन कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, पहले एक क्वेश्चन हमारे पास है। बोला गया है fx इज एन ऑड फंक्शन एंड लिमिट x इज टेंडिंग टू ज़ीरो fx एग्जिस्ट। क्वेश्चन में गिवन है कि fx एक ऑड फंक्शन है, मतलब f ऑफ माइनस x की अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू माइनस ऑफ fx आती है। फिर दूसरी बात गिवन है लिमिट x इज टेंडिंग टू ज़ीरो एफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। अगर ऐसा है तो आपसे बोला गया है लिमिट x इज टेंडिंग टू ज़ीरो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए अपन इसको शुरुआत करते हैं। तो हमें कहते हैं अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है इन दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हो जाएगी लिमिट x इज टेंडिंग टू ज़ीरो माइनस एफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लिमिट x इज टेंडिंग टू ज़ीरो प्लस एफ एक्स। अब अगर यहाँ पे हम चेंजिंग ऑफ लिमिट कंसेप्ट का यूज़ करते हैं तो x को अपन क्या पुट कर देंगे, 0 माइनस एच, और यहाँ पे x को अपन क्या पुट कर देंगे, 0 प्लस एच, वेयर h इज टेंडिंग टू 0 प्लस। तो वेयर h इज टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ 0 माइनस एच, और ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ h। अच्छा, f ऑफ 0 माइनस h है ना, मतलब f ऑफ माइनस h, और f ऑफ माइनस एच की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ एफ एच होगी, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक ऑड फंक्शन है। f अगर ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, तो माइनस ऑफ लिमिट h इज टेंडिंग टू ज़ीरो प्लस f ऑफ h इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h इज टेंडिंग टू ज़ीरो प्लस f ऑफ h। अब देखिए ये वाला लिमिट और ये वाला लिमिट सेमी आइटम है, ये इस तरफ जाएगा तो ये राम माइनस इक्वल टू माइनस राम, उस तरफ जाएगा टू ऑफ राम इक्वल टू ज़ीरो, तो राम की वैल्यू ज़ीरो। तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो लिमिट एच इज टेंडिंग टू ज़ीरो प्लस एफ ऑफ एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। मतलब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। तो ऑब्वियस है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है लिमिट के इक्वल, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी ज़ीरो होगी, और ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ज़ीरो एफ एक्स। तो एक्स इज टेंडिंग टू ज़ीरो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नोट कर लीजिए भाई यहाँ तक। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू ज़ीरो प्लस एक्स इज टेंडिंग टू टू प्लस
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स वाई थ्री माइनस ऑफ एक्स वाई थ्री का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये बड़ा वाला ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, कर्ली ब्रैकेट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं, x इज टेंडिंग टू 2 प्लस हमारे पास दिया हुआ है, तो क्या होगा? तो भाई देखो ऐसा है, अगर मैं 2 प्लस यहाँ रखता हूँ तो 2 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन 3, तो 2 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2 ही होगा, तो ये तो 2 अपॉन 3 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे है 2 अपॉन 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 2 अपॉन 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, अच्छा इसका होल क्यूब भी है ना, इसका होल क्यूब 2 अपॉन 3 के ग्रेटेस्ट इंटीजर का होल क्यूब, तो 2 अपॉन 3 जो है वो क्या होगा 0.6666, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या जाएगा 0, तो 0 का होल क्यूब क्या हो जाएगा 0, तो ये हमारे पास जो है ये जाएगा 2/3 का फ्रैक्शनल पार्ट, और 2/3 की वैल्यू 0.66666 होती है, तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2/3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास 2/3 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो 2/3 आ जाएगा। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2, नोट कर लीजिए भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला गया है इफ एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर द लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू एन माइनस वन का पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू एन माइनस माइनस वन का पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो इंटीजर माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? इंटीजर माइनस वन, तो यह जाएगा माइनस वन का पावर एन माइनस वन। सिमिलरली अगर मैं राइट हैंड लिमिट लेता हूँ तो यह जाएगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू एन प्लस माइनस वन का पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब अगर मैं यहाँ पे एन प्लस लूँ तो एन प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या जाएगा हमारे पास? एन, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस वन का पावर एन। तो हमें साफ साफ दिख रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू माइनस वन का पावर एन माइनस वन है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू माइनस वन का पावर एन है। अब अगर एन इवन होता है तो ये प्लस वन आएगा, ये माइनस वन, और अगर एन ऑड होता है तो ये माइनस वन आएगा, ये प्लस वन, मतलब ये कभी भी इक्वल तो होंगे ही नहीं। और जब ये कभी इक्वल नहीं होंगे मतलब लिमिट का जो आंसर हमारे पास आएगा वो क्या जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट। तो नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 माइनस एक्स माइनस एक्स। ये जो हमारे पास ब्रैकेट है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स मसाला है तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस मसाला है। अपन ने पढ़ा था कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स होता है, अगर एक्स की वैल्यू इंटीजर है तो इसकी वैल्यू तो जीरो होगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 इज़ 2, माइनस 2 इज़ माइनस 2, सम करने पे क्या जाएगा? जीरो। लेकिन अगर इसकी वैल्यू इंटीजर नहीं है, दिस इज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, तो हमारे पास 1.2 का 1 माइनस 1.2 का माइनस 2, सम करने पे माइनस 1, तो ये हमारे पास क्या जाएगा? माइनस 1। तो यहाँ से अपन को एक बहुत अच्छी चीज़ समझ में आई कि अगर x इंटीजर नहीं है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x का जो सम है वो क्या हो जाएगा? माइनस 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखें, x इज टेंडिंग टू 3 है, अगर x इक्वल टू 3 होता तो ये इंटीजर होता, लेकिन x टेंडिंग टू 3 है, या तो 3 प्लस होगा या 3 माइनस, तो दोनों केस में ये इंटीजर नहीं होगा। भाई 3 प्लस माइनस समथिंग करेंगे या 3 माइनस 3 प्लस करेंगे तो भी इंटीजर नहीं होगा, और 3 माइनस माइनस 3 करेंगे और 3 माइनस 3 माइनस करेंगे तो भी इंटीजर नहीं होगा, या तो 0 प्लस होगा या 0 माइनस होगा, इंटीजर नहीं होगा। तो इंटीजर नहीं होगा तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? माइनस 1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा माइनस 1 माइनस एक्स, और लिमिट हो जाएगा एक्स इज टेंडिंग टू 3, और अगर अपन 3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 1 माइनस 3 इज माइनस 4, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज माइनस 4, नोट कर लीजिए भाई। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, बोला गया है लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू रूट 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेता हूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू एक्स इज टेंडिंग टू है रूट 3 माइनस, रूट 3 से थोड़ा सा छोटा, तो एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब देखिए अगर एक्स की वैल्यू रूट 3 है तो रूट 3 का एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 है, अगर एक्स की वैल्यू रूट 3 से थोड़ी सी छोटी है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 से थोड़ी सी छोटी होगी, और 3 से थोड़ी सी छोटी होगी मतलब 3 माइनस होगी, और 3 माइनस का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो 2 होता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। फिर हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होगा? लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू रूट 3 प्लस एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब रूट 3 प्लस, जब एक्स की वैल्यू रूट 3 होती तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 होती, एक्स की वैल्यू रूट 3 प्लस है
तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3+ होगी, और 3+ का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 3, तो ये 3+ आएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या जाएगा 3, तो हमें दिख रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो वैल्यू ऑफ लिमिट इज डज नॉट एग्जिस्ट। नोट कर लीजिए यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखें भाई, बोला गया है लिमिट x इज टेंडिंग टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर प्लस साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये जो हमारे पास है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, ठीक है भाई, ये अपने पास कहानी है। देखो यहाँ पे अपन एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ये, अपन सबसे पहले लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टू जीरो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब जीरो माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है -1, तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो -1 का स्क्वायर यहाँ +1 हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ -1 अपॉन -1, तो 1 माइनस ऑफ साइन 1 अपॉन -1, तो ये वैल्यू हमारे पास साइन 1 -1, ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ जाएगी। फिर अपन लेंगे इसका राइट हैंड लिमिट, अब राइट हैंड लिमिट लेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू जीरो प्लस, और ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। इसके बारे में अपन बात करें, अब अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ तो जीरो प्लस रखते हैं तो जीरो प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो, तो ये तो जीरो हो गया, ये साइन जीरो ये भी जीरो हो गया, तो न्यूमरेटर तो जीरो आ गया, अच्छा डिनोमिनेटर भी जीरो आ गया, तो ये तो जीरो अपॉन जीरो वाला केस हो रहा है, तो इसको अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अपन सॉल्व इसको ऐसे करेंगे कि भाई देखिए, जब हमारे पास लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू इंटीजर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स होगा तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, आई आएगी ना, तो इसको अपन एक्स रख सकते हैं, एक्स की वैल्यू इंटीजर है ना, तो अपन सीधा इसको क्या कह सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या है एक्स, दिस इज लिमिट x is tending to i plus x, तो इसकी वैल्यू अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जब i प्लस में आएगा तो उसको अपन x लिख सकते हैं, और जब हमारे पास लिमिट x is tending to i minus ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आएगा तो इसका आंसर i minus 1 आता है, तो इसे अपन लिमिट x is tending to i और x minus 1 लिख सकते हैं, सही बात है। तो हम इस कंसेप्ट का यूज़ करेंगे, ये बहुत ही सुंदर कंसेप्ट है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं भाई। भाई जब हमारे पास i प्लस है, i प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर i आता है, तो हम क्या करें यहाँ पे x टेंडिंग टू, अगर इसकी जो वैल्यू है x टेंडिंग टू i x के इक्वल होगी जब ये तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू i आ जाएगी, और अगर इंटीजर माइनस है तो इसकी वैल्यू i माइनस 1 आता है, तो इसकी वैल्यू जो इक्वेलेंट होगी x टेंडिंग टू i x माइनस 1 के इक्वेलेंट होगी। इसको आप पहले नोट कर लीजिएगा भाई खोपचे में, क्योंकि ये कंसेप्ट है। फिर मैं जो है ये इसकी राइट हैंड लिमिट के बारे में बात करता हूँ। अब अगर राइट हैंड लिमिट के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे पास इंटीजर प्लस है, इंटीजर प्लस है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को आप सीधा एक्स रख दीजिए, और इंटीजर माइनस वाले केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को आप एक्स माइनस 1 रख दीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे इंटीजर प्लस वाला केस है तो इंटीजर प्लस वाला जो केस है इसमें मैं क्या करूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को एक्स रख दूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, और आ जाएगा लिमिट x is tending to जीरो। अच्छा ये तो जीरो हो जाएगा, लिमिट x is tending to जीरो पे sin x upon x 1 होता है, अभी अपन आगे जाके पढ़ेंगे, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो साफ साफ दिख रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू sin 1 माइनस 1 है और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 है, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए इस लिमिट की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट होगी। तो ये नोट कर लीजिए भाई। तो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले एक कंसेप्ट पढ़ा है, उसको अपन एक बार और लिख लेते हैं, अगर जिन लोगों ने नहीं नोट किया होगा नोट कर लीजिए। नोट नंबर 1, अगर हमारे पास लिमिट x is tending to इंटीजर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है तो इसकी वैल्यू इक्वेलेंट होती है लिमिट x is tending to y x के, और अगर हमारे पास लिमिट x is tending to इंटीजर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है तो इसकी वैल्यू इक्वेलेंट होती है लिमिट x is tending to y x माइनस 1 के। मतलब जहाँ जहाँ भी हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन किए हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन किए हैं, वहाँ पे आप ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप राइट हैंड लिमिट में जहाँ जहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x है वहाँ x रख दीजिए, और लेफ्ट हैंड लिमिट में आप x माइनस 1 रख दीजिए, बस कंडीशन ये है कि लिमिट टेंडिंग टू इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर हमारे पास 1 अपॉन 0 एग्जैक्टली है तो ये एग्जैक्ट 0 अगर है तो इसकी वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट होती है,
लेकिन अगर 1/0 प्लस है तो इसकी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी, और 1/0 माइनस है तो इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती है, क्योंकि भाई 1/0 प्लस की वैल्यू 0.0000 बहुत सारे बार 0 × 1, जब अपन इस पॉइंट को अलग करेंगे तो अब 10 × इन्फिनिटी होगी, और वह सिमिलरली 1/0 माइनस में हम माइनस लगा रहेगा तो इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी। इतना नोट कर लीजिए पहले। एक और नोट हमें पता होना चाहिए भाई कि भाई एग्जैक्ट 1 का पावर अगर इन्फिनिटी है तो इसकी वैल्यू तो 1 ही होगी। 1 × 1 × 1 × 1 आप इन्फाइनाइट टाइम्स करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 ही होगी। लेकिन अगर 1 से थोड़ा सा बड़ा है और इसका पावर इन्फिनिटी है, 1 से थोड़ा सा बड़ा भी आपने नंबर ले लिया 1.00001, जैसे आप पावर्स बढ़ाएंगे तो नंबर बड़ा होता जाएगा, जब आप इन्फाइनाइट टाइम्स पावर करेंगे तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती जाएगी। सिमिलरली 1 से थोड़ा छोटा सा नंबर 1 माइनस की पावर इन्फिनिटी करेंगे तो ये 10 × 0 होगा, बेसिकली इसकी वैल्यू 0 प्लस होगी, तो अपन इसे 0 बोल देंगे। तो होगा क्या कहानी कि जैसे मान लीजिए 1 से छोटा नंबर आपने लिया, 1 से 0.99999 भी ले लिया, अब आप उसका जैसे ही पावर इंक्रीज़ करेंगे तो नंबर और छोटा होगा, फिर आप पावर इंक्रीज़ करेंगे नंबर और छोटा होगा, जब इन्फाइनाइट टाइम्स पावर करेंगे तो और छोटा होगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा, तो ये 10 × 0 प्लस रह जाएगा, तो इसकी वैल्यू 10 × क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस के इक्विवेलेंट होगी। तो ये अपन को जो है पता होना चाहिए, नोट कर लीजिए यहाँ तक। हाँ भाई, तो कैसी लगी आज की क्लास? आज अपन ने जो है लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट देखा था, उसी को हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का जब लिमिट में यूज़ होता है उसके बारे में बात की, और छोटे छोटे से इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बात की। चलिए अपन मिलते हैं अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।